हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त मनोज। दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनोज वीडियो मिक्सिंग पॉइंट। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो स्लो मोशन के बारे में भी होगा और कुछ ETS का 9.3 के लोग, बहुत सारे लोग, कम से कम 1200-1300 लोगों ने मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज किया है कि 9.3 का क्रैक आ गया है मार्केट में, तो आपके पास अवेलेबल है तो दे दो। उसके बारे में भी हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात जो है, हम मास्किंग के बारे में बात करेंगे कि थोड़ा सी मास्किंग हम किस टाइप से करेंगे, जो ऑटो मास्किंग होता है वो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर वीडियोस को ओपन किया जाए। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को जो है प्रीमियर प्रो का भी वीडियो जो है आज शाम में तकरीबन 5-6-7 बजे तक मैं अपलोड करूँगा। मैंने एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, ये 13 फितूर वाली प्रोजेक्ट है मेरी, उस पर मैं काम करूँगा। तो मैं सबसे पहले जो है आपको इसी के ऊपर में थोड़ी सी एक मास्किंग करके दिखाता हूँ, ठीक है। सी बटन से प्रेस होता है, जैसे कि मैंने पता नहीं बहुत सारे ऐसे वीडियो जिसमें बता रखा हूँ। हमने यहाँ से ऑडियो को डिसेबल करना है, ये वाला जो है अपना ये ग्रुप लिंक का, इसको अनचेक करेंगे और डिलीट कर देंगे, ठीक है। और इसके ऊपर में जो है F7 दबाएंगे, और F7 दबाएंगे तो अपना जो है ये खुल जाएगा, लेआउट खुल जाएगा, फिर इसको छोटा कर लेंगे, ठीक है। ये मैं आपको ऑटो मास्किंग के बारे में बता रहा हूँ। पहले छोटा कर लेंगे, फिर यहाँ से बॉर्डर डाल देंगे जो एज लिखा हुआ है, और यहाँ से 10 पिक्सल्स 10 ही डालना होता है। ज़्यादा ज़्यादा बॉर्डर डालोगे तो बहुत ही अजीब सा दिखता है आपको, छोटा स्क्रीन में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जब बड़ा डिस्प्ले पर आप देखोगे तो आपको समझ लग जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि राउंड हो जाए, तो राउंड हो गया जी। आउटसाइड ओके जी, ये देख लीजिए। मेरे कंप्यूटर में 2 मॉनिटर लगा है, तो आप दूसरे पे तो मुश्किल है देखना, क्योंकि एक ही स्क्रीन, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है वो एक ही स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ी सी मोशन करा लेता हूँ। फिर से F7 दबाएंगे और शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे, ऊपर लेके जाएंगे। शिफ्ट के बटन से फायदा ये होता है कि वो एक ही तरफ से चलता है, मतलब कि जिधर भी लेके जाओगे, चाहे लेफ्ट को लेके जाओगे तो लेफ्ट राइट जाएंगे, ऊपर नीचे नहीं भागेगा, ठीक है। और यहाँ से जो है अपना की फ्रेम ऐड कराएंगे, यहाँ पे जाएंगे समथिंग 5 सेकंड के आसपास, और इसको खींच देंगे यहाँ तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो है की फ्रेमिंग धीरे चल रहा है। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है। अब मैं आपको इफेक्ट्स जो है मेरा, ये मिरर इफेक्ट जो है मैंने बना रखा है, ये देखिए मिरर इफेक्ट, ये मास्किंग का ही है, एक ही पिक्चर का जो है 2 पिक्चर हो जाएगा। मैंने मास्क अप्लाई की और ये एक ही वीडियो का 2 वीडियो बन गया। ये कैसे बनेगा? तो सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं करना है, डिलीट करना है इसको। मास्क को मैंने डिलीट किया, ध्यान से देखना, और वीडियो फिल्टर में गया, मास्क को पकड़ के लाया, इस पर छोड़ा, और यहाँ से जो है ये वाला टूल जो है राइट एंगल जो है इसको ऐसे खींचे, और ये बीच सेंटर पे तक जो है यहाँ तक लेके गए। ये एक बार थोड़ा सा आपको ध्यान से बनाना पड़ेगा। आउटसाइड फिल्टर डालने हैं, यहाँ से ये वाला, एक मिनट, इस पर क्लिक करोगे तो आपका फिल्टर खुल जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे वीडियो फिल्टर। अब यहाँ पे लेके जाने का है अपने को मिरर, 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 ये रहा मिरर, ठीक है। तो अब मिरर को आप सेटअप खोलने का है, तो इधर से आप खोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। वर्टिकल करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ओके। अब काम आपका ख़त्म हो गया, ये देखिए। और इसी प्रीसेट को अगर आपको रखने का है, ठीक है, इसी प्रीसेट को, तो सीधा सा पकड़ के इसमें छोड़ दो, तो ये आपका अपना हो गया। मान लीजिए इस मास्क को हम डिलीट करते हैं, इस वीडियो का भी सिलेक्टेड है, तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे लेआउट के पास छोड़ दोगे तो भी अप्लाई हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि क्लिप पर रखिए तो ही अप्लाई होगा। ये देखिए, ये अपना 2 वाली हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मास्क, ये वाली जो है
ये वाली, इस पे जो है हम मास्क अप्लाई तो करें, लेकिन जो है मास्क हमने छोड़ दिया, ठीक है। और अभी एक तरीका और बताता हूँ, फिर से राइट एंगल सेलेक्ट करेंगे और इतने पे इसको खींच देंगे, ठीक है। अब यहाँ से फिर से जो है हम मिरर अप्लाई करेंगे, मास्क, माय फिल्टर, वीडियो फिल्टर, मिरर, ये रहा मिरर लोड हमने कर दिया, और मिरर पे यहाँ पे हमने चेक नहीं किया इसलिए ये शो नहीं कर रहा है, ठीक है। आउटसाइड फिल्टर पे चेक करने हैं मिरर को सेटअप, हमने मिरर यहाँ लोड कर दिया, मिरर का सेटअप को खोल रहे हैं, ये देखिए। और आउटसाइड का फिल्टर जो है आउटसाइड पे इसको 40% में कर दिया, आपकी जितना इच्छा हो उतना करना, ये देखो ये तो यहाँ पे अपना चल रहा है, ठीक है। और ये अगर ना चले तो ये मास्किंग ट्रैकिंग भी करेगा, तो यहाँ से ट्रैकिंग को चेक करने हैं, और यहाँ पे जाओगे तो ट्रैकिंग फॉरवर्ड पे आएगा, तो जैसे आप ये करोगे ये क्या लिखा है, इमेज इज नॉट सिलेक्टेड, ठीक है। वो क्यों लिखा है अभी आपको बताता हूँ, इमेज जब तक फ्रेम में नहीं आएगा तब तक ये ट्रैकिंग नहीं करेगा, तब यहाँ तक फ्रेम पे आ गया तो ये ट्रैकिंग करेगा, ये देखिए ट्रैकिंग करने लगे, जहाँ जहाँ जैसे जैसे वीडियो रोटेट हो गए एनालाइज करेगा की फ्रेमिंग टाइमलाइन पे ये ऐड कर देगा, तो ये होता है ऑटो फ्रेमिंग, जैसे जैसे वीडियो चलेंगी जैसे जैसे हिलेंगे वैसे वैसे ये एनालाइज करके की फ्रेमिंग ऐड करता जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी आता है, प्रॉब्लम क्या आता है, ये देखिए हमारा की फ्रेमिंग ऐड हो गया, ये देखिए। अब ये ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसको जो है यहाँ पे हमने ऐड कराया था इसके वजह से, ठीक है। तो ये की फ्रेमिंग जो है किसी को फेस छुपाना हो इसके लिए ठीक है, इन चीजों के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं जी अनचेक। अब ये नॉर्मली मैंने जैसे कि पहले आपको बताया ये इसको अपने को ऊपर को लगा देना है मास्क को, राइट एंगल को जितना भी बड़ा करना है, लेकिन ध्यान रखना कि वीडियो के जो है स्टार्टिंग जो है नीचे तक जो होती है ना वीडियो के नीचे, तो वहाँ तक होनी चाहिए, क्योंकि हमने लेआउट पे ही मास्किंग कर रखा है, तो हमारे को सिर्फ जो है शैडो बनाने के लिए ये काम आएगा, ये देख लीजिए, ठीक है। अब मैं इस पर आपको कुछ ग्राफिक मैं इसके अंदर में ऐड कर देता हूँ, ताकि ये थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे, मान लीजिए यही ले लेते हैं डेमो को थोड़े पे। अब ठीक है ये देखिए, ठीक है। लेकिन ये वाला नीचे का जो वीडियो है ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो फिर से मास्किंग इस पर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मास्किंग अगर करोगे तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएंगे, क्योंकि ये मिरर लगा हुआ है इस पर, तो दूसरा इसके सीक्वेंस बना के फिर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपने मिरर का देख लिया। अब ये स्लो मोशन के बारे में आपको बताता हूँ, स्लो मोशन जैसे कि मान लीजिए ये कुछ फुटेज है, अब यहाँ पे काम आएगा अपना ये सारे टूल, ये सब टूल को चेक कर देना, ये गांव की शादी की फुटेज हैं, यहाँ से हाँ आपको यहाँ पे फ्रेम बाय फ्रेम काम करने पड़ेंगे, ये देख रहे लड़की कहाँ से माला डाल के जो है हाथ को हटा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो इस क्लिप को हमने कट किया, और कहाँ से कहाँ तक करना है, यहाँ तक का, हाँ यहाँ तक का, तो यहाँ पे कट कर लेंगे। अब इस क्लिप को सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट और ई, ऑल्ट और ई दबाएंगे, ठीक है। और इस क्लिप की स्पीड अपने को स्लो करना है, 50% कर दिया जी, तो ये क्या हो गया, इसको चेक करने से इधर का क्लिप अपने आप ही हट गया। अभी आप देखिए स्लो हो गया, फिर से नॉर्मल हो गया,
ठीक है। अब यहाँ से हम फिर से वही चीज करेंगे, ये देखिए ये फ्रेम बाय फ्रेम होता है, सी से कट करेंगे और सी से कट ऑल्ट और ई, फिर से 50 फ्रेम, 50 50 से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, 50 40 जो है बहुत हो गया, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आता है, ठीक है, प्रॉब्लम आएंगे बहुत ज़्यादा। अब ये देखिए हमारा क्लिप यहाँ से हमने गले माला डाला और यहाँ से सेलो हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ता है और फिर करना पड़ता है, लेकिन ये चारों चीज़ें ऑन होना चाहिए यहाँ पे, तभी ये ऑटोमेटिकली पीछे आगे होएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएंगे। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि हम जो है वीडियो का की फ्रेम कैसे पता करेंगे, तो मुझे अभी याद आ गया, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मेरे पास यही फुटेज है, ये फुटेज मेरा इस पे, ये फुटेज है, ये सोनी का कैमरा होता है, सॉरी पैनासोनिक का कैमरा है, हैंडी कैम है, उसका फुटेज है। ये प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ पे अभी आपको फ्रेम रेट वगैरह नहीं दिखाएगा, वीडियो MP4 दिखाएगा, ठीक है, ये 16 MB का है। अब ये डिटेल्स में जाओगे तो 1280x720, अब यहाँ पे आपको फ्रेम दिखा देगा, फ्रेम रेट ये 25 फ्रेम का है, ठीक है। और जो हम अपना सीक्वेंस है EDS का, यहाँ सेटिंग में जाएंगे और प्रोजेक्ट सेटिंग में जाएंगे और ये भी अपना 25 फ्रेम रेट का है। तो इस पे अगर हम काम करेंगे ना तो कभी भी हमारा कंप्यूटर क्रैश नहीं होगा, EDS जो होती है वो क्रैश नहीं होगा या फिर कुछ और बिल्कुल भी कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएंगे। अब मान लीजिए ये सेम ही चीज़ें जो होती है ये मैन्युअली वर्किंग करने के लिए होता है, मान लीजिए यहाँ से अपने को देखना पड़ेगा कि वीडियोज को कि कहाँ से ये हाथ या कुछ भी चीज़ ऐसे एंगल कहीं कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। अब यहाँ से ये लोग जो है उठ रहा है धीरे धीरे, ठीक है, नहीं सॉरी क्योंकि ये लड़की अभी पैर छू रही है, यहाँ पे छू रही है, ये लड़की ये अपने को बार बार चला प्ले करके, हाँ ठीक है, यहाँ से V का बटन प्रेस करके मार्क लगा लेंगे, ठीक है, ताकि अपने को पता रहे। अब ये लड़की यहाँ पे पैर तो छू रही है, अब यहाँ से यहाँ तक ये जो है क्लिप है, ठीक है, फिर से यहाँ तक जो है V लगाएंगे, V से ही आपको जो है पता रहेगा ये चीज़ मार्क यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला क्लिप को ऑल्ट और ई दबाएंगे और 50% इसमें पेस्ट कर देंगे तो भाई ये क्लिप जो है स्लो हो गया, ये क्लिप नॉर्मल है। अभी आप देखना ये नॉर्मल क्लिप चल रहा है 100% पे, ये देखिए स्लो हो गया, ये यहाँ से हम गए, यहाँ से हम गए, ये देखिए स्लो हो गया, ठीक है। अब फिर से ये नॉर्मल हो गया। अब इसी क्लिप को हम फास्ट कैसे कराएंगे, ये वाला क्लिप जो है इसको हम फास्ट कैसे करेंगे, ऑल्ट और ई दबाएंगे, अब 50 की जगह जो है नॉर्मल है तो इसको 130 करेंगे, क्लिप छोटा हो गया, ठीक है, ये देखिए ये देखिए यहाँ से ये वीडियो नॉर्मल है और यहाँ से ये फास्ट हो गया, फिर से ये नॉर्मल हो गया। तो ये हम फास्ट फॉरवर्ड इससे कर सकते हैं। मैंने आपको दो चीज बताया, ये स्लो मोशन, ये एक मास्किंग के लिए अपने को बताया, ये देखिए यहाँ से मास्किंग के लिए बताया कि एक वीडियो के दो वीडियो कैसे कन्वर्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, तो अब लास्ट में ये कि बहुत सारे भाई जो है ये बोल रहे EDS9 का क्रैक मार्केट में आ गया, EDS9 का क्रैक मार्केट में आ गया, मेरे भाई कोई नहीं क्रैक मार्केट में नहीं आया, वो झूठ बोल रहे हैं,
जो भी अगर आपको बोलता है ना कि EDS 9 का क्रैक मार्केट में अवेलेबल है, तो आप उनको ये बोलिए कि मेरा सेटअप जो है आप हर जगह जो है ग्रास वैली का सेटअप आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो EDS 9.3 का सेटअप जो है आप डाउनलोड कीजिए, 700 MB का समथिंग का है वो, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वो आपसे 1000, 2000, 3000 जो भी मांगते हैं आप उनको बोलिए ठीक है मैं दूंगा, पहले एक्टिवेट करो, और उसमें जो है एक्टिवेट करवाना, ठीक है। अगर वो एक्टिवेट कर देता है ठीक है, उसकी क्रैक जो होता है वो ले लेना, एक्टिवेट करा लेना। अगर वो नहीं करके देता है तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। अगर वो ये बोलेगा कि मेरा सेटअप आप डाउनलोड करना तो बिल्कुल भी मत करना, वो बेकार होता है, वो ATE होता है, वो झूठ बोलता है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि मैंने आपका इस सवाल का जवाब भी दे दिया। आगे वीडियो में मैं आपको बता दूंगा ये वाला जो है, ये कलर जो बता रहा है, अभी 3 कलर है मेरे इस टाइमलाइन पे, एक येलो है और एक ग्रीन है, ग्रीन बोलिए जो भी कलर बोल रहे हैं बोल लीजिए। तो ये किस लिए जो है आता है, एक रेड भी आता है, ये किस लिए आता है वो उसके बारे में भी आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो EDS 9 के क्रैक मार्केट में किसी के पास नहीं है, जो भी बोलता है वो झूठ बोलता है। फ्रेम रेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, जैसे कि यहाँ पे फ्रेम रेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये फ्रेम रेट किसी के भी वीडियो शूट करते होते फ्रेम रेट जरूर सेलेक्ट करना। लोग क्या करते हैं NTSC में कर देते हैं, यानी कि 30 फ्रेम पे कर देगा, 29.97, तो 29 फ्रेम को तो नहीं कोई बोलते हैं, 29 यानी 29.97 तो कोई नहीं बोलेगा, इसलिए उसको 30 फ्रेम बोला जाता है, वो NTSC में होता है। NTSC के फाइल जो है आप ये अपने इस सीक्वेंस पे अगर हम डालेंगे 25 फ्रेम पे तो हमेशा ही प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। रेंडिंग में टाइम लगेगा, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, ऐसे केस मेरे पास बहुत सारे आए हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है इंजॉय कीजिए, वीडियो को देखिए, और प्रीमियर प्रो का लिंक तो मैंने दे ही रखा था, अभी 2-3 एपिसोड पहले, यानी 2-3 ट्यूटोरियल पहले मैंने दे रखा था, आप लोग डाउनलोड कीजिए, क्योंकि प्रीमियर प्रो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। हम लोग सोचते हैं EDS बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है, प्रीमियर प्रो बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखो, आप जो है न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से करेंगे, ओके कर दीजिए, इसके बारे में सारे कुछ के बारे में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अभी ये विंडोज है, ये सारे एक एक पार्ट्स बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा प्रोजेक्ट बनाना, ठीक है। तो उस पर भी मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये इस डाला हुआ है, आप लोग जाइए डाउनलोड कीजिए, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं दूसरे ट्यूटोरियल में।